हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिगो का फ़्लाइट बुकिंग करने के बारे में। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने मोबाइल से इंडिगो का टिकट बुकिंग करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इंडिगो का वेब चेक इन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इंडिगो। इंडिगो टाइप करते ही आपके सामने इंडिगो का एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, उसके बाद यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है बुक फ्लाइट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना डेस्टिनेशन चूज कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल भी इंडिगो ले जाती है। सपोज दैट हमको गोरखपुर जाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे GOP। यहाँ पर गोरखपुर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना डेट चूज कर लेंगे कि किस डेट को हमको गोरखपुर जाना है। तो सपोज दैट हमको 1 मई को जाना है, तो यहाँ पर डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड हो तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख लीजिए आप अगर डॉक्टर हो, आर्मी हो या फिर स्टूडेंट हो तो उसको चूज कर लेंगे। तो मान लीजिए हम कुछ नहीं है तो यहाँ पर सर्च फ्लाइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए इंडिगो के अलग अलग तरह के फेयर हैं, तो सबसे सस्ता जो है हम उसको चूज कर लेंगे। पहला चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम स्किप कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम पैसेंजर का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप व्हील चेयर लेना चाहते हैं तो इसको ऑन कर लेंगे और कोई एक रीजन डाल देंगे, जैसे मेडिकल रीजन या सीनियर सिटीजन, व्हील चेयर यूजर, तो हम सीनियर सिटीजन पर टिक कर देंगे। अगर नहीं लेना चाहते हो तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस टर्म को एग्री करेंगे और यहाँ पर हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर अपने टिकट का आप व्हाट्सएप पर अपडेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर गेट अपडेट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसमें से आप अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक सर्विस है फास्ट फॉरवर्ड, इसमें आपको 400 रुपये पे करना होगा। इसका फ़ायदा यह है कि आपका बैग सबसे पहले जमा होगा और अराइवल में उतरते समय आपका बैग सबसे पहले आपको मिलेगा, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए ये सर्विस। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिक्योर ट्रिप, इसको भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने सेलेक्ट सीट का ऑप्शन आ जाएगा। इस फ्लाइट में 2 साइड में सीट है और बीच में आने जाने का रास्ता है। A और F, ये दोनों विंडो सीट होती है और बाकी सब मिडिल एंड ऑयल सीट होती है। इसमें हर सीट का अलग अलग प्राइस होता है। प्राइस देखने के लिए यहाँ पर टिक करेंगे और कौन सा कलर कितने प्राइस का है यहाँ से आप देख सकते हैं, और कौन सा सीट फ्री है। तो हमको फ्री सीट चाहिए तो हम फ्री सीट का कलर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कौन सा सीट फ्री है। तो देखिए यह जो सीट है ये फ्री दिखा रहा था और देखिए यहाँ पर लिखा है फ्री सीट। हमको सबसे सस्ता टिकट चाहिए, इसलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर UPI से पेमेंट करना है तो यहाँ पर हम अपना UPI नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। जैसे HDFC मेरा बैंक है और यहाँ पर UPI अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म को एग्री करके और यहाँ पे पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो अपना कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल के पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना बैंक चूज करेंगे, टर्म को एग्री करेंगे और पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा।
पेमेंट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक टिकट सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है वेब चेक इन। वेब चेक इन जब तक नहीं हुआ होगा तब तक आप बोर्डिंग पास नहीं ले सकते, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड की वजह से अब वेब चेक इन करना मैंडेटरी हो गया है। अगर आप काउंटर से बोर्डिंग पास लेना चाहेंगे तो आपको 200 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इंडिगो का वेब चेक इन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।